जैसा आप जानते हैं कि हमारी जो सिटी की ग्रिड और इसके आउटस्कर्ट्स पेरिफेरी जो एरिया है उसके ऊपर हमारी डिप्लॉयमेंट्स रहती हैं। पंथा चौक का नाका जो हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपी द्वारा जॉइंट नाका वहां पर लगा हुआ था और वहां चेकिंग भी बीच में गाड़ियों की चल रही थी। इतने में एक बाइक बॉर्न जूथ वहां से गाड़ी से निकले और उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर फायर किया। फायर करने के बाद कोशिश भी करी कि कोई वेपन उनके हाथ आ जाए और वो वेपन स्नैच कर सकें, मगर जो होशियार दस्ता वहाँ पर पुलिस और सीआरपी का लगा था, इन्होंने ना सिर्फ उस अटेम्प्ट को नाकाम किया बल्कि उनका पीछा किया, जिसके चलते उन्होंने अपना जो बाइक है उसको नीचे फेंक दिया और बाइक को फेंकने के बाद पैदल दौड़ लगानी शुरू कर दी। उस दौड़ के दौरान हमारी पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से उनको चेज किया और चेज करते वहाँ तक ले गए जहाँ जाकर के उन्होंने छुपने का ठिकाना ढूंढा, धोबी मोहल्ला पंथा चौक में। हमारी तमाम पार्टियाँ, वैली की केओटी, हमारी एसओजी की टीम, सीनियर ऑफिसर्स मौके पर पहुँच गए और उन्होंने ऑपरेशन जो है उसको सुपरवाइज़ किया। थोड़े ही अरसे के बाद जहाँ जब तलाशी एरिया की शुरू हुई तो फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग का जवाब दिया जिसमें एक मिलिटेंट पहले मारा गया। फायरिंग चलती रही और हमारी जो लीड टीम है एसओजी की, उसके बहादुर जांबाक हुए जो हमारे एएसआई हैं बाबूराम जी, ये बहुत बहादुर हमारी एसओजी टीम के साथी थे जो बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस में काम करते थे और हम अपने बहादुर जवान को श्रद्धांजलि पेश करते हैं तमाम फोर्सेस की तरफ से, जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। ये ऑपरेशन अर्ली मॉर्निंग तक चलता रहा और रात तक सीनियर ऑफिसर इस ऑपरेशन को फिजिकली मॉनिटर करते रहे। तमाम फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर मौके पर खुद तैनात रहे। अर्ली मॉर्निंग जब जो ऑपरेशन कंक्लूड हुआ, हमने फिर बार एक कोशिश करी जैसे हर बार करते हैं कि जो बाकी बचा हुआ एक आतंकी था उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। उसके घर वालों को पामपुर के एरिया से बुलाया गया, उनसे अपील करवाई गई, मौका दिया गया कि इसके बावजूद कि हमने अपना एक साथी खोया था, इसके बावजूद हमने ये कोशिश करी कि वो अगर सरेंडर करना चाहे तो उसको सरेंडर करने का मौका दिया जाए। मगर उस वक्त जब ये ऑफर दे रहे थे दोबारा फायरिंग शुरू हो गई और उस फायरिंग के दौरान फिर जो दूसरा और तीसरा आतंकी वो भी मारे गए। तीनों आतंकी लश्कर ए तौबा से वाबस्ता हैं और उनमें से एक पुराना है, कमांडर है उनका, जो काफ़ी लंबे अरसे से आतंकी कार्रवाइयों में शामिल है, बहुत सारा आतंकी क्राइम जो है उसके खाते में है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ अलर्ट फोर्सेस ने, जो हमारी डिप्लॉयमेंट्स ने एक हादसा जो है उसको बचाया है, इसके साथ साथ एक कामयाब ऑपरेशन भी किया है। सर, कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है और रिकवरीज क्या क्या है? आइडेंटिफिकेशंस का हम सिलसिला बाद में शेयर करेंगे, दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ आर दिस थिंग। कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें आइडेंटिफिकेशन हुई है, अभी हम इस स्टेज पे शेयर नहीं करना चाहेंगे। ये काफ़ी लंबा अरसा से एक्टिव था, इसमें जो मेन कमांडर है उसको तो 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से वो एक्टिव था, बाकी दो लड़कों का बाकी डिटेल जो है वो सब्सिक्वेंटली शेयर करेंगे। रिकवरी जो आर्म्स एंड एमुनिशन होते हैं, AK-47 पिस्टल और रिकवरी हुई है उसकी। सर, बाबूराम सर, जिसमें दो आईआरपी के जवान शहीद हो गए, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट में थी? देखिए, ये अभी कहना मुश्किल है, मगर सब्सिक्वेंटली ये चीज़ें जब आएंगी, क्योंकि अभी ये ऑपरेशन सुबह ही कंक्लूड हुआ है और इस वक्त हम लोग, आपने देखा, अपने नौजवान साथी जो हमारा शहीद हुआ उसके सेरेमनी में सभी थे भी जी, तो उसकी डिटेल सब्सिक्वेंटली आपसे शेयर करूंगा। बाबूराम, एंटीफिदाइन स्क्वाड के भी मेंबर बताए जा रहे हैं, तो कितना बड़ा नुकसान है सुरक्षा बलों को? देखिए, बाबूराम एक लीड रोल में रहने वाला हमारा बहादुर साथी था जो हमेशा पहले वाली पार्टी में आगे चलता था, तो जाहिर है जो लीड पार्टी में आगे होता है सबसे बड़ा नुकसान उसको उठाना पड़ता है। हमारी सीआरपी की केओटी रहती है, वो भी आगे चलती लीड रोल में रहती है, हमारा जो एसओजी की टीम रहती है उसमें भी एक लीड रोल में साथी चलता है, तो बाबूराम उस लीड रोल में था, उसमें बहुत बहादुरी से इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अपनी जान की शहादत दी है। हमारी उनके परिवार के साथ भी हर तरीके से हमदर्दियाँ हैं और जो हमारा साथी शहीद हुआ है हम सब उसको नमन भी करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। सक्सेसफुल वीक रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए जी लगभग हफ्ता, जिसमें काफ़ी कामयाब ऑपरेशन हुए हैं। शोपियां का ऑपरेशन जिसमें 4 दहशतगर्द मारे गए, बहुत बड़े दर्जे का दहशतगर्द उसमें भी शामिल था,
जो पंच सरपंच लोगों की किलिंग, सिविलियंस की किलिंग और हमारे जो और साथी हैं फोर्सेस के उनकी किलिंग में शामिल था, आर्मी के टीए जवान की किलिंग में शामिल था। कल का भी जो इनकाउंटर पुलवामा में हुआ उसमें भी जो हेड कांस्टेबल अनूप सिंह को प्रिचू में जब बंबुश हुआ था उसमें मारा था, हमारे नाका पार्टी पे वहाँ भी फैर हुआ था, वो उसमें शामिल था। उसके अलावा पंच के केस में जो पंच खुनमू का रहने वाला था जिसको किडनैप करके मारा गया उसमें उसका शमूलियत थी। उसके अलावा ग्रेनेड अटैक्स में शामिल थे। ये काफ़ी बड़े ऑपरेशन जो इस हफ्ते के अंदर हुए हैं और मैं इसके लिए सब फोर्सेस को जो मिलके काम कर रही हैं उनको कम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, यूथ फिर से रिक्रूटमेंट की तरफ देखने को मिल रहा है साउथ कश्मीर में, काफ़ी यूथ रिक्रूटमेंट की तरफ नहीं जा रहे हैं, यूथ को रिक्रूटमेंट की तरफ खींचा जा रहा है। पाकिस्तान के जो एजेंसियाँ हैं, जो ISI की तरफ से अलग अलग तरह के जो प्रेशर अपने कमांडर्स के ऊपर बिल्ड किए जा रहे हैं, खासतौर पे जैश के ऊपर, फॉरेन टेररिस्ट के ऊपर बड़ा प्रेशर है। एक नई तंजीम अलबदर को फिर से जिंदा करने की इनकी कोशिश है, मगर परसों अलबदर के 5 आदमी जो तैयार हुए थे 5 के 5 मारे गए, उसके बाद आगे की कार्रवाई फिर जारी है। मगर ये अलबदर को फिर से जिंदा करने की पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्शन है, उसी दिशा में जो रिक्रूटमेंट का सिलसिला चल रहा है। मगर अगर मान लीजिए कि जो वहाँ पर मारा गया शकूर परे, उसने 12 लड़के ज्वाइन करवाए थे, 12 में से 4 लोग मारे गए उसके साथ एनकाउंटर में, 2 लोग घर वापस लौट आए हैं पुलिस की और उनके घर वालों की मेहनत का सदका, और उसमें 6 लोग अभी भी एक्टिव है। जहाँ ज्वाइन करने का सिलसिला है वहाँ ज्वाइन करने के साथ साथ कुछ लोग वापस भी लौट रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। कुछ लोग एनकाउंटर्स में मारे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी वो फोर्सेस को एंगेज कर रहे हैं, वो भी सिलसिला साथ में चल रहा है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।